एक मैच होने वाला है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स लीग का, यूएसए वर्सेस मेक्सिको के बीच। भाई बहुत बड़ा मैच है। एक तरफ यूएसए जो पॉइंट टेबल में कभी भी डाउन नहीं होती, और उसी के साथ मेक्सिको जो कि हमेशा भी टॉप पे रहती है। तो दोनों टीम्स एकदम बराबर नाव पे हैं, एक नाव पर सवार है दोनों टीम। इसका मतलब ये है कि बराबर की टक्कर है। ये मैच जो जीत गया वो एक दूसरे से बेस्ट होगी टीम्स। तो मेरा जहाँ तक शक है कि यूएसए गोल कर सकती है अच्छे, बाकी मेक्सिको अगर अंडर प्रेशर डालेगी तो मेक्सिको भी ये मैच लेके जा सकती है। आगे से बात करूँ, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आप डायरेक्टली सर्च करके जुड़ सकते हो। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। इसी बात पे मैं बढ़ता हूँ आगे, बात करूँगा इस मैच की। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली में डबल साइडेड टीम बना रहा हूँ, एक तरफा नहीं है भाई मेरी टीम आज के मैच में, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बनाने का मन नहीं है, क्योंकि मन की बात नहीं है। मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ, यहाँ पर हमें दिमाग से चलना है, मन जो कहेगा उसके कहने पर नहीं। आगे से बात करें, सबसे पहले हम गोल कीपर की आस लूँगा, पहला प्लेयर जी ओचोआ को। ओचोआ इज अ मेन प्लेयर मेक्सिको का, जो आप गोलकीपर देख रहे हैं इसको लेना बहुत जरूरी है एक्चुअली, इसलिए क्योंकि आपकी ओपोनेंट टीम जो है यूएसए, उनकी स्ट्राइकिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी, प्लस वो एक बार पे तीन स्ट्राइकर लगाना भी जानते हैं। आगे से बात करूँ अगर मैं डिफेंडर की, मोरेनो को लूंगा। यहाँ पर है मेरा हेक्टर मोरेनो, एंड मोरेनो इज अ नाइस प्लेयर एंड अच्छा चल सकता है आज के मैच में मोरेनो, क्योंकि हेक्टर मोरेनो ने ELS के खिलाफ भी गोल किया था, और जबकि एक डिफेंडर है और डिफेंडर का गोल सबसे रेयर होता है गाइस। एंड आगे से मैं बात करूँ तो यहाँ से लूंगा येडलिन को, देन यहाँ पर डी येडलिन और ए रॉबिन्सन आर द मेन प्लेयर्स। इनको छोड़ा ही नहीं जा सकता, जो इनको ड्रॉप करने की गलती करेगा लिटरली मैं क्या बोलूं फिर। एंड आगे से बात करें एम रॉबिन्सन की, यहाँ पर माइल्स रॉबिन्सन को भी मत छोड़ना। दो रॉबिन्सन है यहाँ पर, एक ए रॉबिन्सन एक एम रॉबिन्सन, दोनों को ड्रॉप नहीं करना आपने। मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं खेले तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो खेल रहे हैं और आपकी टीम में नहीं है तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। एंड आगे से बात करें, यहाँ पर इनका एक प्लेयर है, आपको बताता हूँ मैं पूरी बात। यहाँ पर एक है एंडर्स और इनका एक प्लेयर है ओ पिनेडा। ये दोनों पिछले मैचेस में खेले, सिर्फ ये खेला था इनका एक मेन प्लेयर जिसका नाम है ऑर्बेलिन पिनेडा, उसके अलावा इन्होंने मेन प्लेयर एंडर्स को नहीं खिलाया। देखो नीचे से मैं सी रॉड्रिक उसको लेना तो नहीं चाहता, बट उसने पिछले मैच में गोल की ट्राई अच्छी की थी, और अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो पिनेडा इज़ बेस्ट, क्योंकि सेफ के लिए अच्छा है। लेगलेट की बात करूँ, यहाँ पे लूँगा लेगलेट को, सेबेस्टियन लेगलेट। वैसे सबसे मेन प्लेयर है यूएसए का, सबसे ज़्यादा गोल करने वाला प्लेयर है ये, सबसे ज़्यादा। पहले इनका अनदर प्लेयर भी गोल करता था, एक प्लेयर था यूएसए का मेन, बट अब वो नहीं है, तो यहाँ पर लेगलेट का मेन रोल है। बी रैनसन की बात करूँ, देन रैनसन ने पिछले मैच के अंदर गोल किया था बट वो भी सब्स्टिट्यूट, तो आज इनकी वापसी करवा देनी चाहिए, इनको ज़रूरत है, यूएसए टीम को आज इन प्लेयर्स की ज़रूरत है। आगे से बात करें यार जिमेनेस, देखो मेरे को जिमेनेस पे तो डाउट ही रहता है, इसलिए मैं कैप्टन नहीं रखना, बट वाइस कैप्टन रख रहा हूँ क्योंकि सेफ भी है। और लोजेनो की बात करूँ, लोजेनो यहाँ पर बड़े अच्छा अच्छा खेलता है यार, मतलब काफ़ी बढ़िया प्ले है इस प्लेयर की, वरना मैं सी पुलिसिक को छोड़ने वाला बंदा ही नहीं हूँ, पर आज छोड़ना पड़ गया। और नीचे से लेना पड़ा आर पैपी को, पैपी को छोड़ना छोड़ ही मत देना। सबसे अभी तक के यूएसए में सबसे ज़्यादा गोल जिस बंदे ने किया वो ये है, सेकेंड नंबर पे है सेबेस्टियन लेगलेट, मतलब टॉप टू प्लेयर बता रहा हूँ, वो भी 11 में से। ओए होए, और आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है पैपी, वाइस कैप्टन है जिमेनेस, ये मेरी टीम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।